लीजिए साहब, आखिरकार नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों की उफ हो ही गई। जी हाँ, सहयोगी नितिन ठाकुर को खबर लगी कि एक फैक्ट्री से निकला केमिकल युक्त पानी सीवन नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे कि पीने का पानी हो रहा है जहरीला। साथ ही ग्रामीणों से ये भी शिकायत मिली कि फैक्ट्री के पानी से फसल भी खराब हो रही है। नितिन ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए खबर को प्रमुखता से उठाया। फूड कंपनी द्वारा जो पनीर फैक्ट्री संचालित की गई थी, 4 साल से लगातार यहाँ पर केमिकल का जो केमिकल द्वारा उनके पनीर फैक्ट्री के अंदर से पानी छोड़ा जाता था, वो लाल रंग का हुआ करता था, सीवन दायनी नदी के अंदर छोड़ दिया जाता, जिससे हजारों एकड़ जमीन बंजर हो रही थी। इसी को देखते हुए लगातार हमने प्रमुखता से खबर दिखाई। उफ हुई और जिम्मेदार अफसरों के कानों तक जा पहुंची बात। कलेक्टर ने मामले का संज्ञान लेते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक पत्र लिखा। परिणाम यह हुआ कि मंगलवार को जांच दल मौके पर पहुंच गया। 4 सदस्यीय दल में चीफ केमिस्ट ऑफिसर एवं वैज्ञानिक शामिल थे। नदी के सैंपल के साथ कुओं बोरवेल के पानी का भी सैंपल ले लिया गया। जांच अधिकारियों ने ग्रामीणों के बयान भी दर्ज कर लिए। जानलेवा केमिकल छोड़ने वाली फैक्ट्री की मुसीबत साहब अब बढ़ चली है। सैंपल को लैबोरेटरी भेज दिया गया है। स्थानीय प्रशासन ने साफ कर दिया कि नदी, खेती और पर्यावरण को बचाना हमारा पहला उद्देश्य है। वाकई यही है उफ का एकमात्र मकसद, यानी कि कुछ गलत होगा तो तय मानिएगा, उसके खिलाफ उफ होगी।